फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आसिफ लखनऊ से आपके साथ है। शब्दों की बात चल रही है, मैं वर्ड की इंपॉर्टेंस आपको समझाना चाहता हूं। 50% इंग्लिश सिर्फ शब्द ही है। अगर कोई स्टूडेंट अच्छी तरह अपनी वर्ड पावर को मजबूत कर लेता है, उसे इंग्लिश बोलते समय, उसको इंग्लिश समझते समय, उसको SSC, बैंक, किसी भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर हल करते समय, हर जगह उसको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है, वर्ल्ड पावर। लेकिन एक चीज समझ लेनी चाहिए, कुछ बच्चे सिर्फ हिंदी रट लेते हैं। सिर्फ हिंदी रट लेने से आप उस शब्द की उचितता, एप्रोप्रिएटनेस नहीं समझ पाएंगे। वर्ड्स को समझना चाहिए। हर शब्द के 3-4 एस्पेक्ट होते हैं। पहली चीज, उसकी स्पेलिंग मालूम होनी चाहिए। दूसरी चीज, उसका सही प्रोनंसिएशन मालूम होना चाहिए। तीसरी चीज, उसे कहां पर लगाना है ये मालूम होना चाहिए। और चौथी चीज, अगर वो वर्ब है तो उसके तीनों फॉर्म मालूम होनी चाहिए। अगर इतनी चीजें आप शब्द के बारे में जानते हैं, तब फिर आप मास्टर आदमी हैं, तब आप हीरो हैं। आप आराम से, सहजता से, बिना प्रयासों के आप उन शब्दों का प्रयोग करेंगे और उनके लाभ उठाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं दो तरह के वर्ड आपको सामने पेश कर रहा हूं। एक तरफ 2000 अंग्रेजी के सबसे जरूरी शब्द हैं। ये जो लेक्चर है वो लेक्चर सिक्स चल रहा है। अब तक मैं 100 ऐसे वर्ड आपको दे चुका हूं। मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप प्लीज उन्हें देखें, प्लीज देखें, आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि अब तक आप कैसे तैयारी कर रहे थे और अब आपको क्या डिफरेंस आ रहा है। अब मैं 100 के आगे शब्द बढ़ूंगा। मैं हर शब्द को बच्चों आपको समझाऊंगा। जब आप समझ लेंगे, अपने आप शब्द तैयार हो जाएगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। मैं ये भी बताऊंगा किस शब्द के बाद कौन सा प्रेपोजिशन आ रहा है। ये सब चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। 101 बहुत ही अच्छा शब्द है, आस्क SB। बच्चों, SB ये डिक्शनरी में भी लिखा होता है। कुछ डिक्शनरी SBD, स्मॉल S, स्मॉल B, स्मॉल D लिखती है, कुछ SB के बाद डॉट लगाती है। इसका मतलब होता है somebody। Somebody का मतलब किसी व्यक्ति की ओर इशारा होता है। यानी कि यहां पर हम कोई नाउन डाल सकते हैं या हम कोई प्रोनाउन डाल सकते हैं। इसी प्रकार से STH लिखा होता है, इसका मतलब होता है बच्चों समथिंग, यानी ये वस्तु की ओर इशारा करती है। अब इस शब्द को समझिए, बेहतरीन शब्द है, आस्क समबडी फॉर समथिंग। यानी कि इसका मतलब होता है मांगना, किसी से कोई चीज मांगना। मांगने को कहते हैं बेटा आस्क फॉर, माने मांगना, मांगना। कितनी बार हम लोग यूज करते हैं, अरे यार उससे एक पेन मांग लाओ, मैंने उससे 10 रुपए मांगे। ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, दिन में एक आध बार तो हम लोग बोल ही देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इस शब्द के साथ ये है कि इसको यूज करने के लिए आस्क के बाद हमें उस व्यक्ति का नाम या उसके से संबंधित प्रोनाउन डालना है जिससे हम चीज मांग रहे हैं, और फॉर के बाद हमें वो चीज डालनी है जो चीज हम मांग रहे हैं। देखो, मैंने पहली बार इसमें यहां लिख भी दिया है, मैंने उससे एक पेन मांगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आई आस्क्ड हिम। हिम क्यों आया? क्योंकि SB, हमने उससे मांगा है, तो यहां हिम आया। फॉर क्या मांगा है? आप पेन। तो इन दो शब्दों पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, आई आस्क्ड हिम फॉर अ पेन, ये सही ट्रांसलेशन है। अगर आपको कहना है मैंने उससे एक पेन मांगा, वो रोज मुझसे एक पेन मांगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ही आस्क्स मी फॉर अ पेन डेली, ही आस्क्स मी फॉर अ पेन डेली। क्या तुम मुझसे आज एक पेन मांगोगे? विल यू आस्क मी फॉर अ पेन टूडे। इतना इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, इसीलिए इतना समय दे रहा हूं, क्योंकि जल्दी नहीं भागना है हमें, आराम से चलना है, समझना है और तैयार करना है। आप जो भी चीज सुकून से करेंगे वो चीज तैयार हो जाएगी। एक और बताता हूं, वह कल मुझसे 100 रुपए मांग रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ही वॉज आस्किंग मी फॉर 100 रुपीज यस्टरडे, ही वॉज आस्किंग मी फॉर 100 रुपीज यस्टरडे। हो गया, समझ में आया बेटा?
आस्क फॉर बच्चों इस तरीके से इस्तेमाल होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा शब्द है लुक फॉर। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है लुक फॉर, माने होता है कोई चीज ढूंढना, कोई चीज तलाशना। ये ज्यादातर ऐसे लगता है जैसे यार मैं रमेश को ढूंढ रहा हूं, आप कहेंगे आई एम लुकिंग फॉर रमेश। या मान लीजिए कहीं चश्मा आप रख के भूल गए हैं, यार मैं अपना चश्मा तलाश रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर माई ग्लासेस। जरूरत रोज पड़ती है। लुक फॉर माने कोई चीज ढूंढना, कोई चीज तलाशना, ठीक है। लुक फॉर माने तलाशना या ढूंढना। अब ये समझो, सर्च समबडी फॉर समथिंग, ये एक फॉर्मल शब्द है ढूंढना। जैसे पुलिस आदि जब किसी व्यक्ति के पास कोई चीज तलाशना चाहती है उस समय इस शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे पुलिस ने अपराधियों के पास ड्रग्स की तलाशी ली तो कहेंगे द पुलिस सर्च्ड द क्रिमिनल्स फॉर द ड्रग्स। इसका मतलब है ढूंढना किसी व्यक्ति के पास कोई चीज। फिर से समझिएगा, द पुलिस सर्च्ड द क्रिमिनल्स, यानी कि पुलिस ने ढूंढे उनके क्रिमिनल्स के पास, क्या ढूंढे, फॉर द ड्रग्स। तो ये इस तरह इस्तेमाल होता है। सर्च का मतलब एक बच्चों तलाशी लेना भी होता है। जैसे पुलिस ने उसकी कार की तलाशी ली, द पुलिस सर्च्ड हिज कार। पुलिस ने उसकी तलाशी ली, द पुलिस सर्च्ड हिम। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सर्च का मतलब बच्चों तलाशी लेना भी होता है। तीनों फॉर्म है सर्च सर्च्ड सर्च्ड। इसके भी देख लो, ये सब आसान है। आस्क आस्क्ड आस्क्ड, लुक लुक्ड लुक्ड, सर्च सर्च सर्च। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिस्क। फ्रिस्क माने भी तलाशी लेना हाथों से। जब हम एयरपोर्ट पे जाते हैं, बोर्डिंग से पहले जब आप सिक्योरिटी चेक इन के लिए जाते हैं, आप पाएंगे कि जो वहां पे सुरक्षा बल के जवान होते हैं हमें छू करके तलाशी लेते हैं। ऐसे दबाते हैं, देखते हैं कोई चीज हमने अपने शरीर में कहीं छुपा तो नहीं रखी है, पूरे शरीर को ऐसे देखेंगे वो। इसी को बोलते हैं बच्चों फ्रिस्किंग। फ्रिस्क माने ऐसे छू के तलाशी लेना। जब परीक्षा आदि में भी फ्लाइंग स्क्वाड आता है वो भी फ्रिस्क करता है कई बार बच्चों को, ओके। तो फ्रिस्क का ये मतलब होता है तलाशी लेना। और हम ये भी जानते हैं कि कुछ ऐसे पद होते हैं जो कि पॉलिटिकल पद होते हैं, बड़े पद, जहां पे फ्रिस्किंग के लिए एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। एयरपोर्ट पर अगर वो व्यक्ति उस पद पर है तो उसकी फ्रिस्किंग नहीं होती, हम ये अच्छी तरह जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, गो मिसिंग, ब्यूटीफुल वर्ड, ब्यूटीफुल। गो मिसिंग का मतलब है खो जाना, कहीं रख करके भूल जाना। गो मिसिंग का ये मतलब होता है जैसे फाइलें खो गई हैं, द फाइल्स हैव गॉन मिसिंग। गो मिसिंग का मतलब होता है कोई चीज खो जाना, जो चीज नहीं मिल रही है ढूंढी जा रही है, द फाइल्स हैव गॉन मिसिंग। एक बच्चा खो गया है, अ चाइल्ड हैज गॉन मिसिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अ चाइल्ड हैज गॉन मिसिंग। और एक शब्द होता है मिलता जुलता है मिसप्लेस। मिसप्लेस का मतलब होता है कहीं रखकर कुछ भूल जाना। आई एम नॉट गेटिंग माई ग्लासेस, आई हैव मिसप्लेस्ड। मिसप्लेस का मतलब कहीं आपने रख करके भूल गए। जैसे अक्सर हम लोग चाबी वगैरह अपनी रख के कहीं भूल जाते हैं तो हम लोग कहते हैं मिसप्लेस, आई हैव मिसप्लेस्ड माई कीज, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो गो मिसिंग माने खो जाना, फाइंड माने मिल जाना। जैसे आप कोई चीज ढूंढ रहे हो, जब मिल जाए तो किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चों, फाइंड। तीनों फॉर्म होते हैं फाइंड फाउंड फाउंड। मुझे अपनी चाबी मिल गई है, आई हैव फाउंड माय कीज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फाइंड फाउंड फाउंड। ये सब बहुत हीरे डायमंड्स हैं, ये शब्द नहीं है, डायमंड्स हैं, बटोरो इनको। बहुत अच्छे शब्द है वादा करना, मेक अ प्रॉमिस माने वादा करना, मेक लगेगा करने के लिए। और कीप अ प्रॉमिस का मतलब वादा निभाना, कितना इंपॉर्टेंट है वादा करना, वादा निभाना। तो वादा करना, मैं हमेशा सच्चा वादा करता हूं, आई ऑलवेज मेक अ फर्म प्रॉमिस। फर्म प्रॉमिस का मतलब बच्चों स्टूडेंट्स पक्का वादा, और झूठा वादा को कहते हैं फॉल्स प्रॉमिस, झूठा वादा। ये चार वर्ड जो है वादे के लिए यूज किए जाते हैं, बिल्कुल इनको पक्का तैयार कर लीजिए। मैं अब वाक्यों के माध्यम से आपको बता रहा हूं, वह कभी भी सच्चा वादा नहीं करता है, ही नेवर मेक्स अ फॉर्म प्रॉमिस।
मैं कभी भी झूठा वादा नहीं करता हूं। आई नेवर मेक अ फॉल्स प्रॉमिस। मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूं। आई ऑलवेज कीप माई प्रॉमिस। तुम कभी भी अपना वादा नहीं निभाते हो। यू नेवर कीप योर प्रॉमिस। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा कि शब्द कैसे सिखाए जाते हैं और शब्द कैसे सीखे जाते हैं। यह है सही तरीका वोकैबुलरी को सीखने का। अब मैं इसके आगे के शब्द इसके तुरंत बाद वीडियो अपलोड करूंगा और उसके बाद हम इसके आगे के शब्द मैंने यहां तक सिखा दिया है। 112 से अभी हम चालू करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों कि आप मेरी बात को सुनते हैं और आप इस पर गौर कर रहे हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं और मेरा निवेदन है आपसे कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज अपने और दोस्तों से, परिचितों से इस चैनल के बारे में जिक्र कीजिए, उनको बताइए प्लीज, और प्लीज लाइक कीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।